So let's start with today's own essay. This ragged claw. It is a crab? No, a worm. No, a wolf. Early physicians weren't entirely wrong to imagine cancer as a ravenous disease. One day this fall, I came home from work and found among the usual pile of bills and flyers and mass mailings pulled from the mailbox a crisp white letter from the hospital where I had recently had a mammogram. इस बार एक बार जब मैं घर वापस आई, ऑथर बोल रही हैं कि जब वो घर वापस आई उन्होंने देखा कि मेल बॉक्स में से बहुत सारे बिल्स फ्लायर्स मेल्स बाहर निकले हुए थे और उसके साथ एक हॉस्पिटल का क्रिस्प वाइट लेटर भी जो कि मेरे रिसेंट मेमोग्राम का जो कि उनके रिसेंट मेमोग्राम का था। वो इन लेटर्स की बहुत यूज होती क्योंकि ये हर साल उनके अपॉइंटमेंट के एक या दो हफ्ते बाद उनके घर पर आता था और ये लेटर किस लिए होता था उनके रिजल्ट्स कन्फर्म करने के लिए कि उनके जितने भी टेस्टिंग रिजल्ट्स थे वो सारे नॉर्मल थे और ये बताने के लिए कि उनको अपना नेक्स्ट मेमोग्राम को शेड्यूल कर देना चाहिए। दिस ईयर द फॉर्म लेटर डेविएट्स फ्रॉम स्क्रिप्ट योर टेस्ट रिजल्ट्स वर इनकम्प्लीट आई रीड अलाउड वी रिकमेंड यू टू कम बैक इन फॉर फर्दर इमेजिंग माय हस्बैंड लुक्स अप फ्रॉम द डाइनिंग रूम टेबल वेयर ही इज वर्किंग इज दिस समथिंग वी शुड वरी अबाउट। लेकिन इस साल ऐसा नहीं हुआ। जो हॉस्पिटल से वो वाइट लेटर आया था जो फॉर्म था वो डेविएट हो गया अपनी स्क्रिप्ट से। उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं लिखा था कि सब कुछ नॉर्मल है, उसके अंदर लिखा था कि रिजल्ट्स इनकम्प्लीट हैं और आपको दोबारा इमेजिंग के लिए टेस्टिंग करानी पड़ेगी। ये सुनकर उनके हस्बैंड ने डाइनिंग रूम के टेबल से उनसे पूछा कि क्या ये कुछ ऐसा है जिसके बारे में हमें चिंता करनी चाहिए। द मॉडर्न इंग्लिश सेंस ऑफ द वर्ड वरी टू फील मेंटल डिस्ट्रेस और ट्रबल इज ऑफ रिलेटिवली रिसेंट ओरिजिन। द ओरिजिनल ओल्ड इंग्लिश वर्ड वॉज मच ब्लडियर वर्जन To strangle or to kill by biting and shaking an animal by the throat. It is the wolf going for the jugular, shaking the life blood out of its quarry. The dog instantly worrying his bone. Other English words denoting mental pain or obsession have similar roots in animal acts of eating or attacking. To fret, cognate of the German fressen, to eat up. There is also no and relatedly gnash from Old English nagan. It comes to us via the Proto-German verb onomatopoeia for the act of gobbling up by little bites. We are consumed by grief, not by remorse, eaten up by worry. ये जो word है worry English का, इसका जो मतलब है mental distress or trouble, इसका बहुत ज़्यादा recent origin है। जो ओल्ड ओरिजिनल इंग्लिश वर्ड है वो इससे भी ज़्यादा बुरा था जो कि एक्चुअली था वर्जन जिसका मतलब था स्ट्रैंगल और टू किल बाय बाइटिंग एंड शेकिंग एन एनिमल बाय द थ्रॉट। ठीक है, जैसे कि एक वॉल्फ होता है वो किसी एनिमल को पकड़ने के बाद क्या करता है उसको बहुत ज़्यादा शेक करता है, उसके जितने भी उसके अंदर का लाइफ ब्लड होता है वो सारा बाहर निकालने की उसके अंदर से कोशिश करता है, उसकी हड्डियों को बिल्कुल बहुत ज़्यादा चबा लेता है। Other English words denoting mental pain or obsession have similar roots in animal acts of eating or attacking. और भी जो English के words हैं जो कि denote करते हैं mental pain को या mental obsession को, उनका भी similar root है animal acts के through, कि animal का जो act होता है eating का उसके through उनका root word बना है, जैसे कि to fret, cognate of the German fashion to eat up. There is also no होता है धीरे धीरे करके खाना, related in gnash from old English nagan. It comes to us via a Proto-German verb, onomatopoeia, for the act of gobbling up by little bites. As I said, no का मतलब होता है छोटे-छोटे bites करके खाना. We are consumed by grief, not by remorse and eaten up with worry. हमें grief खा जाती है, remorse जो है छोटे-छोटे bites करके हमें gobble कर जाता है, और worry भी जो है हमें खा जाती है। मतलब जो कि मेंटल पेन से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स इंग्लिश में हैं वो सारे के सारे एनिमल अटैक्स के ऊपर बेस्ड हैं। आई ग्लांस एट द डायग्नोस्टिक कोड एट द बॉटम ऑफ माई मैमोग्राम लेटर BI RADS O एंड क्विकली गूगल्ड इट। मैंने अपने जो मैमोग्राम का लेटर था उसका डायग्नोस्टिक कोड देखा उसके नीचे और उस पर लिखा था BI RADS 0 और O और मैंने उसको जल्दी से गूगल कर लिया। अ स्कोर ऑफ 0 इंडिकेट्स एन इनकम्प्लीट टेस्ट। The mammogram images may have been difficult to read or interpret. I learned
Oftentimes, women 40 years and older receive scores ranging from 0 to 2, indicating normal results or that abnormal results are benign or non-cancerous. जब मैंने उसको गूगल किया तो मुझे पता चला कि जीरो का जो स्कोर है वो इंडिकेट करता है इनकम्प्लीट टेस्ट. या तो मैमोग्राम की इमेजेस बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट थी पढ़ने के लिए, इंटरप्रेट करने के लिए. ये मुझे समझ में आया गूगल देखकर. मोस्टली जो 40 साल से ऊपर की जो वुमेंस होती है उनका जो स्कोर होता है वो 0 से 2 के बीच में रेंज करता है, जिसका मतलब होता है कि नॉर्मल रिजल्ट्स हैं या फिर एबनॉर्मल है और या फिर नॉन कैंसरस हैं. नो, आई रीअश्योर माई हस्बैंड, नो नीड टू वरी. मैंने अपने हस्बैंड को रीअश्योर किया कि इसमें कोई भी चिंता करने वाली बात नहीं है. स्टिल आई ड्यूटीफुली रिटर्न फॉर अ सेकेंड टेस्ट आफ्टर द मैमोग्राम. द नर्स टेक्स मी टू अ रूम वेयर आई विल हैव एन अल्ट्रासाउंड. लेकिन फिर भी मैं ड्यूटीफुली अपना फ़र्ज निभाते हुए सेकेंड टेस्ट के लिए हॉस्पिटल चली गई मैमोग्राम के लिए, जहाँ पे एक नर्स मुझे एक रूम में लेके गई जहाँ पे मेरा अल्ट्रासाउंड होना था. आई हैव कॉम्प्लीमेंटेड द स्टाफ ऑन द अपग्रेड्स दे हैव मेड सिंस माई लास्ट विजिट. मैंने स्टाफ को कॉम्प्लीमेंट किया, उनकी तारीफ करी. किस लिए? क्योंकि जो उन्होंने अपग्रेड्स किए थे वहाँ पे मेरी लास्ट विजिट के बाद. इन द वेटिंग रूम आई फाइंड आइस कुकुम्बर वाटर इन द ग्लास डिस्पेंसर एंड इन द एग्जामाइनिंग रूम फ्लफी टेरी रॉब्स इन प्लेस ऑफ द यूजुअल प्लेन ब्लू पेपर स्लिप्स. अब उन्होंने चेंज अपग्रेड किया गया था कि उन्होंने देखा कि जो वेटिंग रूम था उसमें आइस कुकुम्बर वाटर रखा था वाटर डिस्पेंसर के अंदर, और जो एग्जामाइनिंग रूम था उसके अंदर फ्लफी टेरी रॉब्स रखी थी इंस्टेड ऑफ पेल ब्लू पेपर स्लिप्स के. देर इज इवन अ बॉल ऑफ फ्रूट्स एप्पल एंड ऑरेंजेस चियरली पोस्टेड ऑन अ टेबल आउटसाइड द चेंजिंग स्टॉल्स. आई फील लाइक आई एम एट अ स्पा इक्विप्ड टू नो वन इन पर्टिकुलर. इनफैक्ट वहाँ पे एक फ्रूट बॉल भी रखा था जिसके अंदर एप्पल और ऑरेंजेस रखे थे, और ऑथर को लग रहा था कि वो एक स्पा में आई हैं. प्रॉन्ट ऑन द एग्जामाइनिंग टेबल आई स्लिप माई लेफ्ट आर्म आउट ऑफ द रोब एंड फील द वार्म सिलिकॉन जेल स्लाइड ओवर माई ब्रेस्ट एंड चेस्ट. प्रॉन्ट ऑन द एग्जामाइनिंग टेबल, उन्होंने अपना लेफ्ट आर्म जो है अपनी रॉब से बाहर निकाला और उन्होंने महसूस किया कि एक वार्म सिलिकॉन जेल जो है उनकी ब्रेस्ट और चेस्ट पर स्लाइड किया जा रहा था. देन द वैंड स्वैपिंग बैक एंड फोर्थ अगेंस्ट माई स्किन, और उसके बाद एक वैंड जो कि उनकी स्किन पे बैक एंड फोर्थ मूव हो रहा था. द इमेज ऑन द स्क्रीन ग्रीनी ब्लैक एंड वाइट एंड ग्रे कुड बी अ पिक्चर ऑफ एनीथिंग. रिवर बेड वाटर रशिंग ओवर रॉक्स अ स्मियर ऑफ गैलेक्सी आर सॉल्टी सी ऑफ अ वार्म क्विकनिंग विद लाइफ. और जो स्क्रीन पे इमेज चल रही थी वो ग्रीनी ब्लैक देन वाइट देन ग्रे कुछ अजीब ही थी. ये किसी भी चीज की पिक्चर हो सकती है, जैसे कि एक रिवर बेड, या फिर जब रॉक्स में वाटर जा रहा हो उस तरह की पिक्चर, या फिर स्मियर ऑफ गैलेक्सी, या फिर अ सॉल्ट सी ऑफ अ वार्म क्विकनिंग विद लाइफ. एज इट हैपन्स इट इज नन ऑफ द अबव, रेदर अ क्लंप ऑफ सेल्स द रेडियोलॉजिस्ट डजंट लाइक द लुक ऑफ. लेकिन जितना भी मैंने ऊपर सब कुछ कहा है ऐसा ये कुछ भी नहीं था. इनफैक्ट ये सेल्स का क्लंप था जो कि रेडियोलॉजिस्ट जिन्होंने जो मेरा एक्सरे या अल्ट्रासाउंड वगैरह जो भी कर रहे थे उनको वो अच्छा नहीं लग रहा था देखने में. अ वाइट स्मज नेस्टल अगेंस्ट अ स्ट्रेटेड ब्लैक सूप. इट इज राउंड एंड स्मूथ ऑन वन एंड बट जट्स आउट विद अ जैग्ड ग्लो ऑन द अदर. ये एक वाइट स्मज है जो कि एक बहुत ही ब्लैक कलर के सूप पे नेस्टेड है, और ये बहुत स्मूथ है वैसे देखने में, लेकिन एक साइड में इसमें जग ग्लो निकला हुआ है. व्हाट इज इट? आई आस्क द डॉक्टर. मैंने पूछा ये क्या है डॉक्टर से. यू सी अ सिस्ट और अ बेनाइन मास वुड बी परफेक्टली राउंड लाइक एन एग और अ पी, शी बिगिंस. दिस रैग इज पॉइंटिंग टू द क्लो, दैट्स व्हाट मेक्स इट सस्पिशियस. डॉक्टर बोलते हैं कि ये एक सिस्ट है, अगर ये सिस्ट होती तो ये परफेक्टली राउंड होती, या फिर छोटा सा कोई ऐसे ही सेल्स का क्लस्टर होता है राउंड होता एक आग की तरह या फिर एक पी की तरह. लेकिन जो इसमें रैग्ड एज है, ये जो साइड से एज निकल रही है, जो क्लॉ निकल रहा है, ये इसको सस्पिशियस बनाता है. इज इट कैंसर? आई आस्क. इट इज़ ओनली नाउ अकरिंग टू मी दैट इट माइट बी. मैंने पूछा क्या ये कैंसर है, क्योंकि अब मुझे यही लग रहा था. आई एम सो वेरी सॉरी, शी सेज. उन्होंने कहा कि वो बहुत माफ़ी चाहती हैं. कैंसर इज ऑलवेज बीन इमेजिन एज अ बाइटिंग ग्रेस्पिंग ग्रीडी बीस्ट. कैंसर को हमेशा एक ऐसा बीस्ट इमेजिन किया गया है जो कि काटता रहता है, ग्रेस्प करता रहता है, बहुत ज़्यादा लालची उगता है.
Hippocrates, or one of his students, is thought to be the first to name the disease carcinose or crab, as its veins are filled and stretched around like the feet of the animal called crab. It was an image that would stick, embellished by physicians more deeply and vividly even after, as a scholar Alana Scoos outlines in her book Construction of Cancer in Early Modern England, 2015. Like the crab, cancer was tenacious. It is very hardly pulled away from those members which it doth lay hold on, as a sea crab doth, remarked one 16th century physician. There was no use in cutting away the tumor, just as there was no forcing a crab to quit what he has grasped betwixt his gripping claws. Despaired another observer. Cancer, the disease, was as sneaky as its namesake. It creeps little by little, noted one medieval commentator, knowing, fretting flesh and sinews slowish to the sight as it were a crab. This para is really very smoothly written. Let us understand this. Author kya keh rahe hain ki jo cancer hai ek bahut zyada crab ki tarah behave kar raha hai. Ab wo crab ki tarah behave kaise kar raha hai wo inhone pure paragraph mein bataya hai. Its veins are filled and stretched around like a feet of the animal called crab. इसकी जो veins हैं cancer की वो एकदम ऐसे फैली हुई हैं जैसे कि crab के जो feet फैले होते हैं. It was an image that would stick embellished by physicians more deeply and vividly even after, as the scholar Alana Scoos outlines in her book The Construction of Cancer in Early Modern England. एक author हैं physician हैं अलाना स्कूज जिन्होंने अपनी बुक कंस्ट्रक्शन ऑफ द कैंसर इन अर्ली मॉडर्न इंग्लैंड में बोला है कि ये जो इमेज है क्रैब की ये फर्स्ट इमेज है जो कि फिजिशियंस के दिमाग में डीपली एम्बेडेड है एम्बेलिश्ड है जब भी वो किसी कैंसर पेशेंट को या कैंसर को देखते हैं. लाइक अ क्रैब कैंसर वॉज टेनेशियस इट इज वेरी हार्डली पुल्ड अवे फ्रॉम दोज मेंबर्स विच इज डोथ ले होल्ड ऑन एज अ सी क्रैब डॉथ. एक 16th सेंचुरी के फिजिशियंस ने एक इस चीज़ पर रिमार्क भी दिया जो कैंसर है वो बिल्कुल क्रैब की तरह टेनेशियस है. क्यों? क्योंकि जैसे क्रैब होता है जिसको भी वो पकड़ लेता है उसको छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है उसको उसके छुड़वाना उससे. कैंसर भी कुछ ऐसा ही है. अगर कैंसर किसी को हो जाए तो उसको बाहर निकालना बहुत मुश्किल काम है. देर वॉज नो यूज इन कटिंग अवे द ट्यूमर जस्ट एज देर वॉज नो फोर्सिंग अ क्रैब टू क्विट वॉट ही हैज ग्रास्प्ड बिटवीन हिज ग्रिपिंग क्लोज. और ट्यूमर को काट देना कोई एक सॉल्यूशन नहीं है क्योंकि क्रैब को अगर आप क्रैब ने कोई चीज़ पकड़ी हुई है अपने क्लॉज के बीच में उसको छुड़वाना एक बहुत मुश्किल काम है. डिस्पेयर अनदर ऑब्जर्वर ये एक दूसरा ऑब्जर्वर ने कहा ये जो अभी क्रैब की जो क्लोज वाली बात हुई है. कैंसर द डिसीज वॉज अ स्नीकी एज इट नेम सेक. कैंसर जो डिसीज है एक बहुत स्नीकी डिसीज है बिल्कुल अपने नाम की तरह. इट क्रीप्स लिटिल बाय लिटिल ये धीरे धीरे करके आगे बढ़ता है. नोटेड वन मेडिवल कमेंटेटर ये मेडिवल कमेंटेटर ने नोट की बात. नोइंग एंड फ्रेटिंग फ्लैश एंड सीन यू स्लोली टू द साइट एज इट वर अ क्रैब ये धीरे धीरे बढ़ता है धीरे धीरे फ्लैश को खाता है और धीरे धीरे अपने आप को जमाता है बिल्कुल एक क्रैब की तरह. कैंसर्स नोइंग बिहेवियर लेड अर्ली फिजिशियंस टू कंपेयर इट टू अ वर्म एज वेल एज टू अ क्रैब. कैंसर के जो ये नॉइंग बिहेवियर है जो उसके धीरे धीरे खा जाने वाला बिहेवियर है वो फिजिशियंस को दो चीज़ों से कंपेयर करने पे उसने मजबूर कर दिया. पहला क्या एक वॉर्म और दूसरा क्या क्रैब. द मेडिवल नेम ऑफ द प्लांट डिवोरिंग ग्रीन कैटरपिलर कैंकर वॉर्म डेराइव फ्रॉम वन सच मेटामॉर्फिकल लीप फ्रॉम बायोलॉजी टू बोटानी एज कैंकर्स ऑन द स्किन सो कैंकर्स इन द बर्ड. मेडिवल नेम एक जो प्लांट डिवोरिंग ग्रीन कैटरपिलर जो होता है हमारा एक कैटरपिलर नॉर्मली मेडिवल नेम क्या होता है उसका कैंकर वॉर्म होता था. और ये बिल्कुल उसी तरह है ये बायोलॉजी से बोटानी में बिल्कुल उसी तरह से अगर कैंकर ऑन बर्ड सपोज एक लीफ के ऊपर एक कैटरपिलर है वो धीरे धीरे करके लीफ को खा जाता है बिल्कुल उसी तरह से कैंकर ऑन स्किन यानी कि कैंसर को कैंकर से कंपेयर किया है. And just as malignant larvae in plants had to be destroyed before they blighted the flower, so one had to slay the worm of cancer when it chanced to rear its head in human flesh. और बिल्कुल जैसे कि एक larvae होते हैं plants के अंदर वो फूलों को पत्तों को खा जाते हैं अगर वो एक बार
अपने मतलब लार्वा फॉर्म से नेक्स्ट फॉर्म में चेंज हो जाएं, बिल्कुल उसी तरह कैंसर को भी उससे पहले ही रोकना पड़ता है ताकि वो पूरी ह्यूमन फ्लैश पे अपना कब्जा ना कर ले। दिस वॉर्म कुड बी क्वाइट लिटरल। द 17th सेंचुरी सर्जन पैराडियोनस समाइज द कैंसर वॉज नथिंग मोर देन अ प्रोडिजियस मल्टीट्यूड ऑफ स्मॉल वॉर्म्स इन्फेस्टिंग इट्स होस्ट। एक सर्जन थे 17th सेंचुरी में पैराडियोनस, जिन्होंने बताया कि कैंसर कुछ नहीं है बल्कि एक बहुत सारे स्मॉल वॉर्म्स का मल्टीट्यूड फॉर्म है जो कि अपने होस्ट के ऊपर निर्भर करता है, उसको खा जाता है। अ कॉमन मेडिवल रेमेडी द सो कॉल्ड मीट क्योर इन्वॉल्व लेइंग स्लैब्स ऑफ फ्रेश चिकन और वील ऑन द अल्सर बाय विच टू ल्यूर द क्रिएचर आउट। एक कॉमन मेडिवल रेमेडी है जिसके अंदर, जिसका नाम है द मीट क्योर। इसमें क्या होता है, फ्रेश चिकन स्लैब को एक अल्सर के ऊपर रखा जाता है जिससे कि जो अंदर क्रीचर अल्सर के अंदर होगा, जो भी क्रीचर उसको अल्सर जिसकी वजह से हो रहा होगा उसको लालच देने के लिए, ताकि वो बाहर आ जाए और वो उस फ्रेश चिकन को स्किन, हमारी स्किन की जगह उस फ्रेश चिकन को खा ले। कुड द कैंकर वॉर्म बी कन्विंस्ड टू इंजस्ट द डिकॉय फ्लैश द पेशेंट माइट बी स्पेयर्ड। अगर वो कैंकर वॉर्म जो कि वो अल्सर के अंदर, वो कैंकर वॉर्म जो भी था, जो क्रीचर उसके अंदर है, अगर वो मान जाए, इसलिए मान जाए कि वो जो बाहर चिकन फ्लैश रखा है, वो डिकॉय फ्लैश जो रखा है उसको खाने के लिए अगर वो मान जाए तो पेशेंट की जान बच सकती है, पेशेंट उससे बच सकता है। वन टेल दैट फाउंड इट्स वे इन टू एन अर्ली 18th सेंचुरी मेडिकल मैनुअल एक्नॉलेज्ड बाय मोस्ट ऑफ इट्स एपोक्रिफल टोल्ड ऑफ अ कैंसरस अल्सर इनहैबिटेटेड नॉट बाय वॉर्म्स बट बाय अ वुल्फ। अ विटनेस वॉर्ड that once in applying a slice of meat to a patient's tumor, she saw that a wolf peep out, discovering his head and gapping to receive it. The existence of a literal cancer wolf within the body might have strained belief. Still, the analogical force of these animals was strong. Both the worm and the wolf made their way into the apothecary's shop as treatments for cancer. Following the homeopathic principle that like cures like, one early recipe for a cancer-fighting salve included powdered wolf dung among its ingredients. More common were tinctures that called for ground and powdered worms. Worms harvested from tree bark, then stamped and strained with alloy, were brewed with the potion eagerly quaffed by cancer sufferers. एक और 18th सेंचुरी की मेडिवल टेल है जो कि अपना रास्ता यहाँ पे बनाती है, जैसे लिखा हुआ है कि जो एक कैंसर का अल्सर है, कैंसरस अल्सर है, ये वॉर्म्स का नहीं बिल्कुल एक वॉल्फ की तरह काम करता है। अ विटनेस वॉट दैट वंस इन अप्लाइंग अ स्लाइस ऑफ मीट टू अ पेशेंट्स ट्यूमर शी सॉ दैट अ वुल्फ पीप्स आउट डिस्कवरिंग हिज हेड एंड गेपिंग टू रिसीव इट। एक बार एक विटनेस है इस चीज़ का, जिन्होंने बताया कि जब वो एक पेशेंट के ट्यूमर पर मीट अप्लाई कर रहे थे, मीट का स्लाइस, तो उन्होंने देखा कि एक वुल्फ जो है बहुत ज़्यादा एकदम से झांक कर देखता है, अपना बाहर सर निकालता है और उसको खाने के लिए आगे बढ़ता है। द एग्जिस्टेंस ऑफ अ लिटरल कैंसर वुल्फ विद इन द बॉडी माइट हैव स्ट्रेंड बिलीव स्टिल द एनालॉजिकल फोर्स ऑफ दीज एनिमल्स वॉज स्ट्रांग बोथ द वर्म एंड द वुल्फ मेड देयर वे इन टू द एपोथेकरी शॉप एज ट्रीटमेंट फॉर कैंसर। हालांकि ये जो बात है कि ये जो हम कंपैरिजन कर रहे हैं कैंसर का वुल्फ से या वॉर्म से, हो सकता है ये स्ट्रेन बिलीफ हो, लेकिन एनालॉजिकली अगर हम देखा जाए तो ये इन एनिमल्स का इतना फोर्स था कि इन्होंने अपनी जगह एपोथेकरी शॉप में बना ली एज ए ट्रीटमेंट फॉर कैंसर। फॉलोइंग द होम्योपैथिक प्रिंसिपल दैट लाइक क्योर्स लाइक, जो होम्योपैथिक का प्रिंसिपल है कि जैसे होता है ना जहर जहर को काटते, वैसे लाइक क्योर्स लाइक। वन अर्ली रेसिपी फॉर अ कैंसर फाइटिंग सॉल्व इंक्लूडेड पाउडर्ड वॉल्फ टंग। एक अर्ली रेसिपी है कैंसर को फाइट करने के लिए जिसमें क्या होता है, पाउडर्ड वॉल्फ टंग को एज इंग्रेडिएंट यूज किया जाता है। मोर कॉमन वर टिंक्चर्स दैट कॉल्ड फॉर ग्राउंड एंड पाउडर्ड वॉर्म्स, और इससे भी ज़्यादा कॉमन तो वो टिंक्चर्स थे जो कि ग्राउंडेड या पाउडर्ड वॉर्म्स से बने थे। और ये वॉर्म्स कहाँ से आते थे, वॉर्म्स हार्वेस्टेड फ्रॉम ट्री बार्क देन स्टैम्प्ड एंड स्ट्रेन्ड विद एली, उसके बाद उन्हें स्टैम्प और स्ट्रेन करके आली के साथ
उनको ब्रीव किया जाता था एक पोर्शन के साथ, और उसके बाद उनको कैंसर सफरर्स को दिया जाता था। अर्ली मॉडर्न फिजिशियंस वर नॉट एंटायरली रॉन्ग इन इमेजिनिंग कैंसर एज अ ईटिंग डिसीज। जितने भी अर्ली मॉडर्न फिजिशियंस थे वो पूरी तरह से गलत नहीं थे कैंसर को एक ईटिंग डिसीज के रूप में देखने के लिए, क्योंकि वो ऐसा है एक्चुअली। एज अ कैंसर ग्रोज इट नीड्स मोर फूड। जैसे जैसे कैंसर ग्रो होता है उसको उतना ज़्यादा खाना चाहिए होता है। द कैंसर सेल्स रिलीज केमिकल सिग्नल्स टू द सराउंडिंग कैपिलरीज एंड वेन्स, कॉक्सिंग देम टू क्रिएट न्यू ब्लड वेसल्स टू ब्रांच आउट लाइक अ कोरल फॉरेस्ट, डिलीवरिंग लाइफ गिविंग न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन टू देयर ब्लूमिंग कॉलोनी। द बॉडी ऑब्लाइजेस एंड अनविटिंगली नरिशिंग द असैसिन नेस्टल इन इट्स हर्ट। जो कैंसर सेल्स होते हैं वो अपने आसपास की जो कैपिलरीज होते हैं उनको केमिकल सिग्नल्स देते हैं, और उनको जो आसपास की वेन्स होती हैं उनको सिग्नल्स देते हैं कि उनको और ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, और ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स चाहिए फूड के, और हर जगह ब्रांच आउट हो जाते हैं कोरल फॉरेस्ट की तरह। और हमारी जो बॉडी है वो अपने अंदर ही पलने वाले एक मर्डर, एक असैसिनिंग, एक दुश्मन को जो उनके खुद के एक बॉडी में पल रहा है उसको ये सब कुछ नरिश करती रहती है। हिप्पोक्रेटस काकी नोज वुड एक्सटेंड इट्स स्पिंडली लेग्स आउटवर्ड थ्रू द सेंचुरीज, इट्स मेटाफर स्प्रेडिंग लाइक क्रीपर वाइंस अक्रॉस द पेजेस ऑफ द मेडिकल टेक्स्ट दैट सॉट टू डिस्क्राइब एंड कंटेन इट। कैंसर इज अ क्रैब, नो इट इज अ वर्म, नो इट इज अ वुल्फ। एज इफ द सिंबल दैट ओरिजिनली स्टूड इन फॉर द डिसीज कुड नॉट हेल्प बट मिरर द प्रोलीफरेटिंग पैरम्बुलेटिंग लॉजिक ऑफ द वेरी थिंग इट नेम्ड। वर्ड्स Gone divisive, division, malignant blooms without borders. अब यहाँ पे ऑथर ने कैंसर को वर्ड्स के साथ बहुत सारी चीज़ों के साथ कंपेयर किया, जब तक हम कंपेयर करते आ रहे हैं कैसे कैंसर अपने वेन्स मतलब कैसे कैंपर से क्रीपर वाइन की तरह अपने आप को बढ़ाता है, हर जगह फैलाता है। कैसे कैंसर एक क्रैब है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, नहीं वो वॉर्म की तरह वर्क करता है, नहीं वो एक वॉल्फ की तरह वर्क करता है। अलग अलग बहुत सारे तरीके हैं कैंसर को कंपेयर करने के और उसके अंदर के लॉजिक्स निकालने के, और कैंसर कैसे डिवाइड होता है, अपने आप को कैसे और ज़्यादा फैलाता है, कैसे बॉर्डर्स को क्रॉस करता है उसके बारे में। आफ्टर द मास्टेक्टॉमी आफ्टर द बायोप्सी, ओके वन मिनट, लाइक दिस पैरा इट डजेंट हैव अ प्रॉपर मीनिंग, आई कांट टीच यू फ्रॉम लाइन टू लाइन, ओके, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द होल मीनिंग ऑफ द पैरा like that only, okay, so let me know if you have any problem with that in the comment section. After the mastectomy, after the biopsy, the surgeon tells me she excised the one visible tumor but that the tissue extracted still showed a positive margin. Mastectomy ke baad, biopsy ke baad, surgeon ne bataya ki unhone ek visible tumor dekha but that tissue extracted still showed a positive margin, meaning that they discovered additional cancer cells ones that hadn't showed up on the mammogram at the edges of the cut tissue. The margin is described as negative or clean when the pathologist finds no cancer cell at the edge of the tissue, suggesting that all of the cancer has been removed, says the US National Cancer Institute's Dictionary of Cancer Terms. The margin is described as positive or involved when the pathologist finds cancer cells at the edge of the tissue, suggesting that all of the cancer has not been removed. अब mastectomy और biopsy के बाद जो surgeon है वो उनको बताते हैं कि जो उनका tissue है जो tumor के बाद उन्होंने extract किया वो अभी भी positive margin दिखा रहा है। अब positive margin और negative margin में क्या फ़र्क होता है ये देखते हैं। जो negative margin होता है उसमें क्या होता है कि जो pathologist है उसको कोई भी कैंसर सेल्स नहीं मिले टिश्यू एज के अंदर, सजेस्टिंग दैट ऑल ऑफ द कैंसर हैज बीन रिमूव्ड, जिससे पता चलता है कि सारा का सारा कैंसर रिमूव हो चुका है। ये कौन बताता है, ये सेज द यूएस नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट डिक्शनरी ऑफ कैंसर टर्म्स। लेकिन अगर मार्जिन पॉजिटिव है इसका मतलब है कि पैथोलॉजिस्ट को कैंसर सेल्स मिले हैं टिश्यू के एज पर भी, जिसका मतलब है कैंसर पूरी तरह से रिमूव नहीं हुआ है। The scalpel is green and gleaming with imprecise everything the cancer is not. It will slice through the extract of it will slice through and extract the cells like a paring knife scoop a scooping a bruise out of a fruit.
But my cancer has invaded both the x-ray and the knife, the eye and the blade, a slip of a flesh sliding off a hook, a mercury bead scattering at the touch of the finger. The scalpel is clean and gleaming with and precise. जो एक ये मेडिकल टूल को बोलते हैं स्केल्पल, ये बहुत ज़्यादा प्रिसाइज होता है, बहुत शार्प होता है, लेकिन कैंसर इतना शार्प नहीं है. मतलब जो स्केल्पल है इससे हम किसी भी सपोज हम एक फॉर एग्जांपल हम आइसक्रीम जो होती है उसमें एक हम वन स्कूप ऑफ आइसक्रीम लेते हैं, वो पूरा एक शार्प कट करता है, क्लीवेज उसमें फॉर्म होता है. बिल्कुल उसी तरह ये बात कर रहे हैं, उसी सेंस में आप इसको समझिए. लाइक नाइफ स्कूपिंग अ ब्रूज आउट ऑफ अ फ्रूट, जैसे एक फ्रूट को हम नाइफ से काटते एकदम प्रॉपर एक कट आता है, प्रॉपर एक क्लीवेज बनता है उसका, ठीक है, वो बता रहे. लेकिन मेरा जो ये कैंसर है, ऑथर बोल रही है, इसने सबको ख़त्म कर दिया. इसने एक्सरे को नहीं बख्शा, इसने नाइफ को नहीं किया, इसने जो डॉक्टर के आए थे उसको ये मात दे के चला गया. उन्होंने इसको बहुत अलग अलग चीज़ों से कंपेयर किया, जैसे कि अ स्लिप ऑफ अ फिश स्लाइडिंग ऑफ अ हुक, जैसे कि एक फिश जो है हुक से बाहर निकल जाती है, मतलब उसमें से स्लिप हो जाती है, या फिर सपोज हम अपने हाथ में मरकरी रखते हैं थोड़ा सा और उसके हम फिंगर से टच करते हैं, उधर उधर भाग जाता है, वो हमारे हाथ में बिल्कुल नहीं आता, फिंगर से टच ही नहीं हो पाता. ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल है यूज़ करने के लिए, अगर आप यूज़ करना चाहें किसी अपनी राइटिंग में, कहीं पे भी अगर आप कोई भी चीज़ लिख रहे हैं, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे. अ मरकरी बीड स्कैटरिंग एट द टच ऑफ द फिंगर, अ स्लिप ऑफ अ फ्लिश स्लाइडिंग ऑफ अ हुक. यू कैन नॉट इट डाउन. Now the fugitive cells could be anywhere or nowhere. They elude detection. Absence of ocular proof is no reason at all to believe that the cancer isn't there. On the contrary, absence multiplies the paranoid suspicion of its lurking presence. As Othello well knew, the surgeon sends my cancer cell back to the genetics labs to measure the chance of reoccurrence. Now the fugitive cells could be anywhere or nowhere. अब जो ये पॉजिटिव सेल्स हैं, यानी कि जो कैंसर सेल्स हैं, ये कहीं भी हो सकती हैं और हो भी सकता है कि कहीं ना भी हों, क्योंकि इन्होंने डिटेक्शन को बहुत ज़्यादा कम कर दिया है. एब्सेंस ऑफ ऑक्यूलर प्रूफ इज़ नो रीज़न एट ऑल टू बिलीव दैट द कैंसर इजेंट देयर. अगर ऑक्यूलर प्रूफ नहीं है हमारे पास, तो ये हमारे बिल्कुल भी रीज़न ये नहीं माना जा सकता कि वहाँ पर कैंसर भी नहीं है. ऑन द कॉन्ट्रेरी, एब्सेंस मल्टीप्लाइज द पैरानॉइड सस्पिशंस ऑफ इट लर्किंग प्रेजेंस. अगर ऑक्यूलर प्रूफ का एब्सेंस है, तो ये हमें और ज़्यादा चेतावनी देता है कि वहाँ पे कैंसर हो सकता है. एज ओथेलो वेल न्यू, द सर्जन सेंड्स माई कैंसर सेल्स बैक टू द जेनेटिक लैब्स टू मेजर द चांस ऑफ रिअकरेंस. सर्जन ने मेरे कैंसर सेल्स को वापस जेनेटिक लैब में भेज दिया ताकि वो पता कर सके कि कितना चांसेस है रिअकरेंस का. सो वी विल ब्रिंग इन द बिग गन्स, माई डॉक्टर टेल्स मी, द केमिकल्स एंड द लेजर्स टू रोज दिस वर्म फ्रॉम इट्स सीक्रेट पर्च. और रोज थो आर्ट सिक, राइट्स विलियम ब्लेक इन सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस 1974. द इनविजिबल वर्म दैट फ्लाइज इन द नाइट हैज फाउंड आउट थाय बैड ऑफ क्रिम्सन जॉय एंड हिज डार्क सीक्रेट लव डज थाय लाइफ इन डिस्ट्रॉय. I imagine the manic cells coursing through my veins, costing threshing of rosy flesh, seeking out the crimson bed of my liver, my bone marrow, my brain, plotting their return. This is also a paragraph which I have to tell you in a brief. Okay? So, ab doctor ne unko bataya ki hame iske liye bahut zyada apni badi jaise army mein bola jata hai na ki iske liye hame और ज़्यादा टैंक्स या मशीन बिग गन्स चाहिए. बिल्कुल उसी तरह से डॉक्टर ने बोला कि इसके लिए हमें बिग गन्स चाहिए, हम इसके लिए कैंसर्स और लेजर्स का इस्तेमाल करेंगे ताकि इस वॉर्म को इसके सीक्रेट चैम्बर से निकाल के बाहर कर सकें. अब एक यहाँ पे लाइन दिया, ओ रोज थो आर्ट सिक, राइट्स विलियम ब्लेक इन सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंट एक्सपीरियंस 1974 में, द इनविजिबल वॉर्म दैट फ्लाइज इन द नाइट हैज फाउंड आउट दाय बेड ऑफ क्रिम्सन जॉय एंड हिज डार्क सीक्रेट लव डस थाय लाइफ डिस्ट्रॉय. अब ये जो इन्होंने सॉन्ग लिखा है, जो ये इन्होंने लिरिक्स लिखे हैं, ये काफ़ी इससे मैच हो रहे हैं जो इनकी कंडीशन है इससे. आई इमेजिन द मैनिक सेल्स कोर्सिंग थ्रू माई वेन्स, कॉस्टिंग थ्रेशिंग ऑफ रोजी फ्लैश, सिकिंग आउट ऑफ द क्रिम्सन बेड ऑफ माई लीवर, माई बोन मैरो, माई ब्रेन, प्लॉटिंग देयर रिटर्न. अब ऑथर बोल रहे हैं कि मैं जो ये मैं इमेजिन कर पा रही हूँ कि जो ये गंदे सेल्स हैं, ये जो कैंसर मैनिक सेल्स हैं, ये मेरी वेन्स के अंदर बढ़ते जा रहे हैं, मेरी वेन्स के अंदर ट्रैवल कर रहे हैं, मेरे रोजी फ्लैश को खा रहे हैं, उसके ऊपर निर्भर कर रहे हैं, और
मेरे लीवर को अपना क्रिम्सन बेड समझ रहे हैं और मेरे बोन मैरो को और मेरे ब्रेन को उनका अपना एक पाथ बना रहे हैं वहाँ पे, बिल्कुल जैसे उस सॉन्ग में था, बिल्कुल वैसे इन्होंने अपने आप को यहाँ पे कैंसर को उससे कंपेयर किया है. A memory, the summer we went to Crete, my daughters and I gathered shells at the sea's edge. They were beautiful, flashes of white against the blank of shiny dark pebbles. We found miniature conch shells pulsing orange and pink. Lavender sea urchins, the size of a baby's fingernail, their spongy inhabitants had long since melted back into the salt water whence they came. Leaving behind these bonny memorials, when we got home and spread the shells out on the grass, one of them began to shake, made a hair's breadth lurch, started to crawl, one among the whole was not mineral but animal, not husk but a home. A teeny hermit crab was donned a stranger's skin, a twice-born shell. Its red claw peeked out and immediately retreated upon the slightest touch. Ab ऑथर को एक मेमोरी याद आती है कि जब वो समर में क्रेट गई थी अपनी डॉटर्स के साथ और वहाँ पे उन्होंने समुद्र के किनारे से बहुत सारे शेल्स इकट्ठे करे थे. अब वो बताते हैं, दे वर ब्यूटीफुल फ्लैशेस ऑफ वाइट अगेंस्ट द ब्लैंक ऑफ शाइनी डार्क पेबल्स. जो शेल्स होते हैं पत्थरों के बीच में पड़े हुए मिलते हैं सी साइड पे, तो उन्होंने देखा कि वो डार्क पेबल्स के बीच में शाइनी शाइनी वाइट कलर के पड़े हुए थे और उन्होंने छोटे छोटे बहुत सारे मिनीचर शेल्स जो कि ऑरेंज और पिंक और लेवेंडर सी अर्जेंस बिल्कुल एक बेबी के फिंगर नेल की तरह इतने छोटे छोटे उन्होंने देखे. दे स्पंजी इनहैबिटेंट्स हैड लॉन्ग सेंस मेल्टेड बैक इनटू द सॉल्ट वाटर वेंस दे केम. वो बता रहे हैं कि उनके जो इनहैबिटेंट्स जहाँ से वो आए हैं वो बहुत पहले ही उस समुद्र के अंदर जा चुके होंगे और इन छोटे छोटे बोनी मटीरियल्स को यहाँ पे छोड़कर समुद्र के किनारे. वैन वी गॉट होम स्प्रेड द शेल्स आउट ऑन द ग्रास वन ऑफ देम बिगिन टू शेक. जब ऑथर अपनी बेटियों को लेकर घर आ गई तो उन्होंने देखा, जब उन्होंने शेल्स अपने गार्डन में ग्रास के ऊपर रखे उनको स्प्रेड किया तो उन्होंने देखा कि एक जो शेल था वो शेक करना स्टार्ट कर दिया. मेड अ हेयर स्प्रेथ लर्च स्टार्टेड टू क्रॉल वन अमंग द होल वाज नॉट मिनरल बट एनिमल. और उन्हें पता चला कि ये कोई मिनरल नहीं है, एक एनिमल है. नॉट हस्क बट होम. अ टिनी हर्मिट क्रैब हैड डन अ स्ट्रेंजर स्किन. एक छोटे से क्रैब ने एक स्ट्रेंजर की स्किन को पहना, मतलब एक शेल अपने एक क्रैब के ऊपर अपना शेल तो होता ही है और दूसरा उसने एक सी शेल और उसके अंदर वो चला गया, यानी कि उसने डबल एक ट्वाइस बॉन्ड शेल ले लिया. इट्स रेड क्लो पीक्ड आउट एंड इमिडिएटली रिट्रीटेड अपॉन द लाइटेस्ट टच. अब जो इसके रेड क्लोज हैं वो धीरे धीरे बाहर निकले और वो एक बिल्कुल हल्का सा भी टच होने पे मूवमेंट करने लगे. द नेक्स्ट डे व्हेन वी वॉक अप द शेल वॉज स्टिल. Its inhabitant tucked up inside, its fortress became a tiny tomb. My daughter wanted to give him a sea burial. She built a miniature raft of driftwood bound together with some old string we found in the house we were renting. She wrapped the dead crab in a leaf and lost him in a crook of the boat. Next day, when we woke up, because crab, which was a sea animal, was dead. ठीक है, उन्होंने देखा कि वो अभी भी अपने एक छोटे से टॉम्ब के अंदर अपने सी शेल के अंदर था. लेकिन ऑथर की बेटी चाहती थी कि उसको एक सी बुरियल दिया जाए, तो उन्होंने उसके लिए मिनिएचर राफ्ट ऑफ ड्रिफ्ट वुड बनाया, उसको पुरानी रस्सी से बांध के एक एज अ बोट टाइप बनाया और उसके अंदर उस डेड क्रैब को रख के भेज दिया. दैट नाइट आफ्टर डिनर इन टाउन वी मतलब उसके लिए तैयार किया. दैट नाइट आफ्टर डिनर इन टाउन वी वॉक टू द बीच. My husband lit the funeral pyre with a match and cupping the flame with his hand, waded knee deep into the wine dark sea. He placed it in tow between two cresting waves. उस रात फिर हम डिनर के बाद अपने टाउन में गए. हमने एक बीच तक हमने चल कर गए. उसके बाद मेरे हस्बैंड ने एक छोटा सा एक फ्यूनरल बनाया विद अ मैच एंड उसको अपने हाथों से कप किया. कप मतलब अपने हाथों से एज अ कप शेप में पकड़ना. वेडेड नी डीप इन टू द वाइन डार्क सी. सी के अंदर मतलब जो कि बहुत ज़्यादा डार्क सी था, रात के टाइम पे डार्क हो जाता है देखने में, उसका इल्यूजन डार्क हमें दिखाई देता है. तो उसके अंदर वो नी डेप तक चले गए और उसके बाद उन्होंने दो वेव्स के बीच में उसको उसकी जो डेड बॉडी या जो भी था उसको रख दिया. He had so no sooner let go than a foam flagged swell slowed the bark hole, drowning it in one unceremonious gulp.
From the shore, we couldn't help but laugh at nature's indifference to our tender right. A message from the watery waste before us. No, your creature kindled warmth is no match for me. इस पैराग्राफ में ऑथर ने बताया कि जब उनके हस्बैंड उसको डाल रहे थे तो एक मतलब अच्छे से वेव आई, उसको सेलो कर गई. ऐसे नेचर अपना मैसेज देती है कि आपके लिए भले ही उस कितनी भी वार्म हो उस क्रिएचर के लिए, लेकिन वो मेरे लिए वेस्ट है. कैंसर फोर्सेस यू टू रिकैलिब्रेट योर सेंस ऑफ डेंजर एंड द डायरेक्शन फ्रॉम विच इट माइट कम. कैंसर इज नॉट द वॉल्फ एट द डोर बैगिंग एंट्री फ्रॉम अ थ्री लिटिल पिग्स. नो, दिस सिकनेस इज एन इनसाइड जॉब. कैंसर आपको फोर्स करता है कि आप अपने सेंस ऑफ डेंजर को रिकैलिब्रेट करें, उसको रीस्टैब्लिश करें, एंड द डायरेक्शन फ्रॉम विच इट कम फ्रॉम, और उसको भी कि कौन से डायरेक्शन से आ रहा है. कैंसर इज़ नॉट अ वुल्फ एट द डोर. कैंसर एक वुल्फ नहीं है जो कि आपके डोर पे खड़ा है और एंट्री मांग रहा है. ऑफ द थ्री लिटिल पिग्स, दिस इज अ स्टोरी, इफ यू हैव रेड दिस थ्री लिटिल पिग्स वाली, यू कैन सर्च इट ऑन गूगल. नो, दिस सिकनेस इज एन इनसाइड जॉब. ये बाहर वाले का काम नहीं है, इनसाइड जॉब ही हमारी बॉडी के अंदर ही होता रहता है. फ्रांस काफ्का द स्टोरी द बुरो इज सोल्ड फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ अ फॉरेस्ट एनिमल हु हैज क्राफ्टेड अ परफेक्ट अंडरग्राउंड हाइड आउट टू प्रोटेक्ट हिम फ्रॉम प्रीडेटर्स. ही इज अ वर्ल्ड ऑफ फ्रैंटिक क्विक प्राइड्स स्नैचिंग जॉज ईट और बी ईटन. ही म्यूजेस आर द लेस फॉर्चुनेट एनिमल्स अबव ग्राउंड पुअर होमलेस वैंडरर्स इन द रोड एंड वुड्स creeping for warmth into a heap of leaves or a herd of their comrades, delivered to all the perils of heavens and earth. Tugged away in his burrow, he is safe, all is still. अब फ्रांस कफ्का की जो स्टोरी है द बुरो, ये इस पर्सपेक्टिव से है कि एक एनिमल है जो कि अपना उसने एक परफेक्टली अंडरग्राउंड हाइड आउट बनाया है ताकि वो अपने आप को प्रेडेटर्स से बचा सके. उसका एक अपना अलग वर्ड है जिसमें कि उसके पास स्नैचिंग जोज हैं ताकि वो कुछ भी खा सकता है. ही म्यूजेज ऑन द लेस फॉर्चुनेट एनिमल्स. वो उन एनिमल्स पर निर्भर है जो लेस फॉर्चुनेट हैं, जो ग्राउंड के ऊपर हैं, जो होमलेस वेंडर्स हैं इन द रोड्स एंड द वुड्स क्रीपिंग फॉर वार्मथ इनटू द हीप ऑफ लीव्स, जो कि पत्तों के अंदर छुपने की कोशिश करते हैं जो एनिमल्स, जो कि जिनके पास अपना घर नहीं होता, या फिर उन और हर्ड ऑफ देयर कॉमरेड्स, या फिर अपने कॉमरेड्स के हर्ड में. Delivered to all the perils of heaven and earth, tucked away in his burrow, he is safe, all is still. Then one night he is awakened by a small whistling noise coming from within the walls of his home. Almost nothing audible to only to the ear of the householder. He scratches in the direction of the whistling, rifling through the soil, breaking up the lumps into teeny particles, but the noisemakers are not among them. He stills himself. He will be methodical. I shall dig a wide and carefully constructed trench in the direction of the noise and not cease from digging until I find the real cause of the noise, he determines. Then I shall eradicate it. If that is within my power, and if it is not, at least I shall know the truth. The truth will bring me either peace or despair. But whether the one or the other, it will be beyond doubt or question. But such clear-cut knowledge is not to be his. The noise seems to come from nowhere and everywhere at once. No matter where he digs, the noise persists, patient, steady, underrated. It neither advances nor recedes. There is a threat that refuses to give him a toehold, a purchase, a vantage from which to confront it. फिर एक रात ही इज अवेकेंड बाय अ स्मॉल विस्लिंग नॉइस. जो ये एनिमल है इसको एक स्मॉल विस्लिंग नॉइस ने उठा दिया जो कि इसके घर की दीवारों से आ रही थी. ऑलमोस्ट नथिंग, मतलब कुछ ऐसा ज़्यादा खास नहीं, लेकिन इसके कानों में इसको सुनाई दे रही थी. वो इन विस्लिंग साउंड्स की डायरेक्शन में स्क्रैच करने लगा और सॉइल को ब्रेक करता हुआ लम्स में टीनी पार्ट्स, उनके सॉइल के लम्स को टीनी पार्ट्स में ब्रेक करता हुआ स्क्रैच करने लगा. बट द नॉइस मेकर्स आर नॉट अमंग दम, लेकिन नॉइस मेकर्स वहाँ नहीं थे. ही स्टिल्स हिमसेल्फ, ही विल बी मेथोडिकल.
I shall dig a wide and careful constructed trench in the direction of the noise and not cease from digging until. मुझे यहाँ से ट्रेंच बना लेना चाहिए इस डायरेक्शन में, नॉइज़ के डायरेक्शन में, और तब तक नहीं रुकना चाहिए जब तक मेरी डिगिंग कंप्लीट नहीं हो जाती. आई फाइंड द रियल कॉज ऑफ द नॉइज़, ही डिटरमाइंस. वो डिटरमाइन कर लेते कि मैं इस नॉइज़ का रियल कॉज पता करके रहूँगा. देन आई शैल रेडिकेट इट इफ दैट इज़ विद इन माई पावर, और उसके बाद मैं इसको ख़त्म कर दूँगा अगर ये मेरी पावर के अंदर हुआ. एंड इफ़ इट इज़ नॉट, एट लीस्ट आई शैल नो द ट्रूथ. और अगर नहीं भी हुआ ये मुझसे ख़त्म, अगर ये मेरी पावर के अंदर नहीं हुआ तो भी मुझे सच का पता होना चाहिए. द ट्रूथ विल ब्रिंग मी इधर टू पीस और डिस्पेयर. ये जो ट्रूथ है यही मुझे ये तो पीस देगा या वरी देगा. बट वेदर द वन और द अदर इट विल बी बियॉन्ड डाउट और क्वेश्चन. लेकिन जो भी देगा ये एक किसी डाउट से या क्वेश्चन से ज़्यादा आगे होगा. बट सच क्लियर कट नॉलेज इज नॉट टू बी हिज. द नॉइस सीम्स टू कम फ्रॉम नो वेयर एंड एवरी वेयर एट वंस. लेकिन जो ये क्लियर कट नॉलेज है ये उसकी नहीं होने वाली थी, क्योंकि जो ये नॉइस है ये ऐसा भी लग रहा था कि कहीं से नहीं आ रही है और ऐसा भी लग रहा था कि हर जगह से आ रही है. नो मैटर वेयर इट डिग्स द नॉइस परसिस्ट अ पेशेंट स्टडी अनडिटर्ड. इट नीदर एडवांसेस नॉर रिसीड्स. दिस इज अ थ्रेड दैट रिफ्यूजेस टू गिव हिम अ टो होल्ड, अ परचेज एडवांटेज फ्रॉम विच टू कन्फ्रंट इट. नो मैटर वो कहाँ पे भी डिग करता है, कहाँ पे भी और ज़्यादा स्क्रैच करता है, ये जो नॉइस है ये परसिस्टेंट है, ये पेशेंट है और ये स्टडी है. ये ना तो ख़त्म हो रही है ना एडवांस हो रही है, और ये उसको लगातार बता रही है कि वो उसके लिए थ्रेट है, जो कि रिफ्यूज़ कर रही है कि वो नहीं जाएगी वहाँ से. द आउटसाइड वर्ल्ड इज अ नॉइसी चैंसी क्लैंगिंग प्लेस चॉक फुल ऑफ डेंजर. This much I acknowledge. As a burrower observes, danger lies in the ambush as before above the moss. But from now on, I know, like Kafka's animal, I will always be listening instead to that ghost of a whisper coming from inside my own walls. Still, most days I don't worry to be worried to death is quite literally the fate of a flesh. The fretting agent might differ, but we all know how it ends. Our animal cells and sick and the well will sooner or later dissolve back into earth, be eaten up in their turn. To accept our animal self means to look very clear in the eye, to size it up and then choose instead to wait. ये जो आउटसाइड वर्ल्ड है काफ़ी नॉइजी है, चांसी है, बहुत ही क्लाइंगिंग प्लेस है, बहुत डेंजर से भरा है, ये मुझे समझ में आ गया. जैसे कि बिल्कुल उस बुरुअर ने ऑब्जर्व किया खफका के एनिमल ने. लेकिन अब मुझे अपने जो ये घोस्ट विस्पर जो मेरे अंदर हो रही है, मुझे अब केवल इसकी आवाज़ सुनाई देंगी. स्टिल मोस्ट डेज आई डोंट वरी, हालांकि पूरे मतलब हर दिन मोस्ट ऑफ द डेज मुझे इस बारे में चिंता नहीं होती. टू बी वरी टू डेथ इज़ क्वाइट लिटरली द फेट ऑफ ऑल फ्लैश. और डेथ के बारे में चिंता करना लिटरली हर इंसान के फेट में है. ऑफ ऑल फ्लैश का मतलब हर जीव के फेट में है. द फ्रेटिंग एजेंट माइट डिफर बट वी ऑल नो हाउ इट एंड्स. फ्रेटिंग एजेंट जो कि मतलब हमें जो हमें डेथ के करीब ले जाता है वो वाला एजेंट हो सकता है डिफर करे सबके लिए अलग अलग, लेकिन हमें पता है कि एक्चुअली ये कैसे काम करता है. आर एनिमल सेल्स द सिक एंड द वेल विल सूनर लिटल डिजॉल्व बैक इन टू अर्थ. हमारे जो एनिमल सेल हैं, चाहे सिक हो चाहे वेल चाहे सही हो, ये सूनर और लिटल वापस अर्थ में मिली जाने, वापस पृथ्वी में मिल जाने. टू बी ईटन अब इन देयर टर्न. टू एक्सेप्ट एनिमल सेल्फ मीन्स टू लुक वेरी क्लियर इन द आई, टू साइज इट अप एंड देन चूज इंस्टेड टू वेट. और ये समझ लेना कि हमारे एनिमल सेक्स हमारा जो एनिमल सेल्फ है, इसको अगर हम एक्सेप्ट कर लें कि हम एक एनिमल सेल्फ हैं, तो हम बहुत ईजिली इसको उसकी आंखों में देख लें, उसके अगेंस्ट खड़े हो जाएं वेट करने की जगह, तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा. When I'm feeling well, I swim outside in the Los Angeles dusk. The pool is warm, 85 degrees Fahrenheit to the ambient January 60, something of this desert climate. One night recently, after I'd finished my laps and popped my hat above the blue surface of the water, I heard clutches of birds singing in the surrounding bushes. A low chuck chuck chuck, a three-knot trill, an impossibly delicate sound that punctured the air like the plucked harp string. Rising above the chatter, this wasn't a settling down to sleep song.
It was raucous, drunken chorus. Like the birds had forgotten what time it was, like the earth was spinning backwards on its axis, I crouched in the water still, except for my breath, and listened as they poured out their silken throats into the gathering darkness. So nicely written, I must appreciate the author. Well, when I'm feeling well, author बोल रहे हैं जब उन्हें सही महसूस हो रहा, जब वो अच्छा महसूस कर रही थी, तो वो स्विमिंग के लिए लॉस एंजल्स के बाहर वो स्विम करने जाती थी. द पूल इज़ वार्म, पूल वार्म था, 85 डिग्री फ़ारेनहाइट पे था, इन एम्बिएंट जनवरी 60 समथिंग ऑफ दिस डिजर्ट क्लाइमेट. वन नाइट रिसेंटली आफ्टर आई फिनिश माई लैब्स एंड पॉप माई हेड अबव द ब्लू सर्फेस ऑफ वाटर, आई हैड क्लचेज ऑफ बर्ड सिंगिंग इन द सराउंडिंग बुशेज. एक रात जब मैंने अपना सर पानी से बाहर निकाला और देखा, तो पता चला कि मैंने सुना कि बहुत सारी बर्ड्स जो हैं आसपास बुशेज में गाना गा रही थी. अलो चक 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 थ्री नॉट ट्रिल, उनकी आवाज़ जो थी थ्री नॉट ट्रिल थी, अलो चक 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 एंड इम्पॉसिबली डेलिकेट साउंडेड पंक्चर्ड द एयर लाइक अ प्लग्ड हार्म. कई बार ऐसा होता है कि जो बर्ड्स की साउंड होती है, जो बर्ड्स की चिपिंग वॉइस होती है, वो और बाकी साउंड्स को काटती हुई चलती है. बिल्कुल सेम यहाँ पे भी हो रहा था, इसने भी एयर को पंक्चर कर दिया लाइक अ प्लग्ड हार्प स्ट्रिंग राइजिंग ऑफ द चैटर. दिस वॉज अ सेटलिंग डाउन टू स्लीप सॉन्ग, ये कोई स्लीप सॉन्ग नहीं था. इट वॉज रैकस ड्रंकन कॉरस लाइक द बर्ड्स हैड फॉरगॉटन व्हाट टाइम इट वॉज, लाइक द अर्थ वॉज स्पिनिंग बैकवर्ड्स ऑन इट्स एक्सिस. ये बिल्कुल ऐसा था कि जैसे कि बर्ड्स भूल चुकी हों कि ये कौन सा टाइम है और अर्थ अपने एक्सिस पे बैकवर्ड मूव कर रही हो. I crouched in the water still except for my breath and listened as they poured out their silken throats into the gathering darkness. ऑथर ने वापस अपना सर जो है पानी के अंदर डाला और उसके अंदर भी उनको उनकी आवाज़ आ रही थी. To wait is the most anodyne of verbs, a familiar no man's land or lost or useless times that threads itself through daily life. We wait in line at the pharmacy, we wait for a thunder shower to pass, we wait for a friend to call. The waiting is empty time, a lull in the forward rush of life or getting things done. It stops us in our tracks and temporarily suspends our power. It can make us feel annoyed or helpless. There is nothing to do but wait, we tell ourselves. Then the prescription is delivered, the sky clears, the phone rings, and off we go again, a power to do and to be mercifully restored. But there is larger waiting, a cosmic waiting that precedes and cradles within itself all the other times and modes and tenses of being. It tells us that a punny power to do and to be in this world is an exception, not the rule. Waiting is not the suspension of human business as usual, but rather the oldest and most elemental form of time. The modern meaning of the English verb to wait in its most banal sense, to remain stationary, derives from a trio of old English verbs, waken, to keep watch, vesyan, to awake, to be awake, and vakan, to become awake, arise, to be born. This is waiting as sheer presence, watchfulness, the quenching spark of life. It is Ruach Elohim, the breath of God, moving over the face of the waters, the instant before creation, time before time. To wait is the most anodyne of verbs. A familiar no man's land or of lost or useless time that threads itself through daily life. Wait एक ऐसा verb है जो कि बहुत ज़्यादा no man's land है, मतलब कोई काम चल रहा है डेली लाइफ में, उसके बीच एक यूजलेस टाइम. वी वेट इन अ लाइन, हम एक फार्मेसी के लाइन में वेट कर सकते हैं. वी वेट फॉर थंडर शावर टू पास, वी वेट फॉर अ फ्रेंड टू कॉल. द वेटिंग इज एम्प्टी टाइम, वेटिंग टाइम जो बहुत ज़्यादा एम्प्टी टाइम है. अल्लल इन द फॉरवर्ड रश ऑफ लाइफ, एक रुकावट या फिर समझ सकते हैं कि एक बीच का एक फेज है ऑफ गेटिंग थिंग्स डन. इट स्टॉप्स अस इन आवर ट्रैक्स एंड टेम्पररीली सस्पेंड्स आवर पावर, ये हमें अपने हमारे ट्रैक्स में रोक देती है और हमारी पावर को सस्पेंड कर देती है टेम्पररी बेसिस पे. इट कैन मेक्स अस फील अनोयड और हेल्पलेस. वेट एक ऐसी चीज़ है जो कि हमें एक बहुत ज़्यादा अनोयड फील करा सकती है, हेल्पलेस फील करा सकती है. देयर इज़ नथिंग टू डू बट वेट, हमारे पास वी टेल आरसेल्व्स. ऐसा कई बार होता है कि हम अपने आप को खुद को कहते हैं कि देयर इज़ नथिंग टू डू बट वेट, कि हमारे पास करने के लिए कुछ नहीं है, बस हम वेट कर सकते हैं. देन द प्रिस्क्रिप्शन इज डिलीवर्ड, द स्काई क्लियर, द फोन रिंग्स, एंड देन वी गो अगेन, आर पावर टू डू एंड टू बी मर्सीफुली रिस्टोर्ड.
और फिर एक टाइम आता है जब ये प्रिस्क्रिप्शन डिलीवर होता है, स्काई क्लियर हो जाता है, फ़ोन बजता है और हम अपने काम करने के लिए फिर से तैयार हो जाते हैं, हमारी पावर रिस्टोर हो जाती है, हम दोबारा तैयार हो जाते हैं, हमें और ज़्यादा वेट नहीं करना होता। बट देर इज़ लार्जर वेटिंग, अ कॉस्मिक वेटिंग दैट प्रिसीड्स एंड क्रेडल्स विद इन इट सेल्फ ऑल द अदर टाइम्स एंड मोड्स एंड सेंसेस ऑफ बींग। लेकिन इससे भी ज़्यादा एक बड़ी वेटिंग है, दैट इज़ द कॉस्मिक वेटिंग, जो कि लगातार वेट करती रहती है, जो कि बढ़ती रहती है, रुकती रहती है हमारे अंदर टाइम टू टाइम। इट टेल्स अस दैट अ पनी पावर टू डू सो एंड टू बी इन दिस वर्ल्ड इज एन एक्सेप्शन नॉट द रूल, जो मैं बताती रहती है कि हमारी जो ये जीवन है, हमारी जो लाइफ है, ये एक्सेप्शन है, ये एक रूल नहीं है। वेटिंग इज नॉट द सस्पेंशन ऑफ ह्यूमन बिजनेस एज यूजुअल बट रादर द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट एनिमेंटल फॉर्म ऑफ टाइम। वेटिंग को एक सस्पेंशन नहीं ह्यूमन बिजनेस का, बल्कि एक एलिमेंटल फॉर्म है टाइम का। द मॉडर्न मीनिंग ऑफ द इंग्लिश वर्ब टू वेट इन इट्स मोस्ट बैनल सेंस टू रिमेन स्टेशनरी डेराइव फ्रॉम अ ट्राई ऑफ ऑल इंग्लिश वर्ब्स वाई कैन टू की वॉच वाई कैन वेस्ट एंड टू बी अवेक एंड वकान टू बिकम अवेक अराइज टू बॉर्न। होप इट इज क्लियर। दिस इज वेटिंग एज शियर प्रेजेंस वॉचफुलनेस एंड क्विकनिंग स्पार्क ऑफ लाइफ। इट इज रूआस एलोहिम द ब्रेथ ऑफ गॉड मूविंग ओवर द फेस ऑफ द वाटर द इंस्टिंक्ट बिफोर क्रिएशन टाइम बिफोर टाइम। ये एक रुआच एलोहिम, जैसे कि रुआच एलोहिम किसको बोलते हैं, द ब्रेथ ऑफ द गॉड, जो कि वाटर्स के फेस पर मूव करती रहती है बिफोर क्रिएशन टाइम बिफोर टाइम। टू वेट इन दिस वे मीन्स सिंपली टू बियर विटनेस टू ब्रेथ। द गिफ्ट ऑफ वेकफुलनेस एज इट लिट लाइट्स अप हियर एंड नाउ इज दिस एक्सीडेंटल वेसल दैट इज माई सेल्फ। इट आस्क्स नथिंग मोर ऑफ द टाइम दैट रिमेन्स। टू वेट इज दिस वे मीन्स सिंपली टू बियर विटनेस टू ब्रेथ। इस टाइम पे वेट करना एक सिंपली एक मीनिंग है कि क्या, कि हम अपने ब्रेथ्स को एक विटनेस करना पड़ेगा, हम अपने सांसों को झेलना पड़ेगा। अ गिफ्ट ऑफ द वेकफुलनेस एज इट लाइट्स अप इन दिस एक्सीडेंटल वेसल दैट इज माई सेल्फ। एक वेकफुलनेस का गिफ्ट है जो कि एक एक्सीडेंटल वेसल, जो कि मैं हूँ, मेरे अंदर है। इट आस्क्स नथिंग मोर ऑफ द टाइम दैट रिमेन्स। ये जितना टाइम बचा हुआ है उससे ज़्यादा कुछ नहीं मांगती। ये ईयरनेस से नॉर्मली अगर आप पढ़ेंगे तो आपको इसमें से बहुत सारी चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी, बट वॉट एवर यू रीड यू हैव टू स्किप रीड इट। यू डोंट हैव टू रीड एवरी वर्ड एवरी मीनिंग। ओके, सो दिस इज़ अ राइट वे टू रीड एनीथिंग। होप यू लाइक इट। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर टूडे।